नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की, और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए हुआ स्थगित, दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में फिर शामिल हुए पीएम मोदी, राहुल बोले पड़ोसी देशों के साथ मोदी सरकार ने खराब किए भारत के रिश्ते, कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन विभाग ने कई विभागों में निकाली भर्ती, अखिलेश यादव बोले देश के भविष्य की चिंता करे मोदी सरकार, मध्य प्रदेश भाजपा ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कभी नहीं समझा गरीबों का दर्द, भारत में लॉन्च हुआ एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर सऊदी अरब ने भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना आने जाने वाली सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन नियामक CGCA ने आज एयरलाइंस को दिए गए एक नोट में जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया, जहां टर्की के राष्ट्रपति के बयान पर भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने तुर्की को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर राज्यसभा का मानसून सत्र निर्धारित समय से करीब 8 दिन पहले ही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि सबसे कम अवधि तक चलने के बावजूद राज्यसभा में इस बार 25 विधेयक को पारित किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों से जुड़े एक खबर को लेकर आज आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विभिन्न देशों के साथ रिश्तों के उस ताने बाने को खराब कर दिया जो कांग्रेस की सरकार ने दशकों में बनाया था। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन में से एक टाइम्स ने साल 2020 के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है, जहां एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इसमें शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में 1661 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जहां इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक ऑफिशियल वेबसाइट hpssb.hp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। किसान बिल के विरोध में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में सड़क पर उतरे, जहां इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान बिल से जमाखोरों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार रोटी को आवश्यक वस्तु नहीं मानती है। DVC ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के मद्देनजर 23 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि न्यायालय ने भूषण पर कोर्ट की अवमानना मामले में 1 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया था। CVDT द्वारा NCP के मुखिया और राज्यसभा सांसद शरद पवार को इनकम टैक्स नोटिस दिए जाने पर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने ऐसा करने के निर्देश नहीं दिए थे और ये नोटिस आयकर विभाग ने भेजी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट JP सेंटर को बेचने की तैयारी हो चुकी है, जहां JP सेंटर बेचने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, पर उन्होंने गरीबों के दर्द और पीड़ा को कभी नहीं समझा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया था। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने आज रामपुर में लगभग 200 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पिछले काफी समय से अधूरा पड़ा लालपुर पुल का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं और मौजूदा स्थिति में अस्थायी पुल 30 सितंबर तक चालू करने को कहा है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के पंडारा स्थित कृषि बाजार समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें बाजार समिति की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का हल करने का निर्देश दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल किया कि चुनावी रैली के लिए लाखों एलईडी टीवी लगवाकर अरबों का प्रचार फंड खर्च करने वाली वर्तमान सत्ता के पास क्या शिक्षार्थियों शिक्षकों के ऑनलाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का फंड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ईमानदारी से पीएम केयर फंड को जनता केयर फंड बनाए और देश के भविष्य की चिंता करे। आरबीआई ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के पुनरुद्धार के लिए एक नया प्रशासक नियुक्त किया है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक एके दीक्षित को बैंक का नया प्रशासक बनाया गया है। आपको बता दें कि एके दीक्षित की नियुक्ति आज से ही प्रभाव में आ गई है। भारत में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग के क्रेज को देखते हुए एप्पल ने अपना ऑनलाइन स्टोर भारत में लॉन्च किया, जहां अब लोग एप्पल के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट अमेज़न की बजाय सीधे एप्पल के स्टोर से खरीद सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक रात में हमेशा हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही करना चाहिए। शोधकर्ताओं के अनुसार यदि रात को तला भुना और मसालेदार खाना खाते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी आदि की समस्या हो सकती है। इससे रात को अच्छी नींद आने में भी परेशानी होती है। IPL 2020 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। आपको बता दें कि IPL 2020 का ये पांचवा मुकाबला है और इस मैच के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के बाद अब बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने दुनिया भर में कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल आयुष्मान खुराना का नाम प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंटल लिस्ट में शामिल हुआ है। इस लिस्ट में आयुष्मान खुराना एकमात्र भारतीय कलाकार हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बेहद ही खूबसूरत फोटो शेयर की है, जहां इसमें वह अपने होम टाउन मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच पार्क में जॉगिंग करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल और घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।